गुड मॉर्निंग क्लास फोर। क्लास फोर, लास्ट क्लास में मैंने आपको फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ाया था। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? जो फूड हम प्रिजर्व करके स्टोर करके रख सके वो फूड प्रिजर्वेशन में आ जाता है। ठीक है, तो उसके भी अलग अलग वेज होते हैं स्टोर करने के लिए, तो हम वो आज पढ़ेंगे। आज हम वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड पढ़ेंगे। तो पहला वे है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्यों हम करते हैं? क्योंकि बॉइलिंग से जो जर्म्स है उस फूड के अंदर वो किल हो जाता है और उसके बाद हम उस फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। अब जैसे बॉइल हम करते हैं मिल्क को, दूध को बॉइल किया जाता है, तो मदर्स जो दूध को बॉइल करती हैं वो इसलिए करती हैं ताकि उसमें से जर्म हट जाए और आप उसे पी सके और वो ज्यादा देर तक रह सके। अब आ जाते हैं फ्रीजिंग पे। रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ कोई भी चीज जल्दी खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका जो लो टेम्परेचर है वो जो एयर में माइक्रोब्स है उसको खत्म कर देता है और उसको खाने में बैठने नहीं देता। वो जो फंगस है, वो जो बैक्टीरिया है, वो सब जो लगता है हमारे फूड में, वो रेफ्रिजरेटर के लो टेम्परेचर की वजह से उसमें नहीं आ पाता। तो फ्रीजिंग इज ऑल्सो अ गुड वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड। कैनिंग जो होता है, कैंस में अगर आप लोग देखे हो, कैंस में जूसेस और जैम्स और ये सब आते हैं, वो क्यों आते हैं? तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि जो आइटम जूसेस और जैम्स है वो कैंस में प्रिजर्व हो जाते हैं, सील हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, उसका जो मॉइस्चर है, उसका जो नमी है, वो सब हट जाता है और सिर्फ वो क्या नाम है, जो प्रोडक्ट है वो रह जाता है। ये ऑल्सो माइक्रोब्स को प्रिवेंट करता है। ऑब्वियसली वो ढका हुआ है तो माइक्रोब्स उस पर नहीं बैठ पाएंगे और वो सील्ड है, प्रॉपर टिन से सील किया जाता है, तो इसलिए कैनिंग इज ऑल्सो बेस्ट वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड। नाउ ड्राइंग क्या होता है ना, हम कुछ चिली या कुछ भी चीज, ये सब चीज को, कुछ मसाले हो गए या कुछ भी हो गया, कुछ लीव्स हो गए, उसको क्या है ड्राई करके अगर रख लेना, मतलब उसको सुखा के रख ले, मतलब उसको एकदम से सूखा सूखा हो जाए, वो ड्राई हो जाए, तो क्या हो जाता है, उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसको काफी टाइम तक यूज कर सकते हैं। अगर आप देखो तो अगर कसूरी मेथी अगर आपने देखी हो तो उसका क्या आता है, उसके पत्ते आते हैं, छोटे छोटे पीसेस आते हैं, वो क्या है ड्राई की हुई मेथी होती है। उसको क्या करते हैं, हम ऐसे रगड़ते हैं अपने हाथ से और उसको फिर सब्जी में डालते तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो वो थोड़ी ना कोई अभी ड्राई की होती है, वो बहुत पहले से ड्राई की होती है और उसके बाद उसमें उसको बस खाली एक डब्बे में पैक करके दे दिया जाता है। उसको हम रख भी सकते हैं घर पे। लेकिन अगर आप सपोज आप धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता क्या होता है, वो थोड़ा मॉइस्चराइज्ड होता है, तो उसको अगर आप बहुत दिन तक रखोगे तो वो एकदम काला पड़ जाएगा, उसका यूज बिल्कुल नहीं। अगर वही धनिया पत्ता को आप सुखा लोगे, उसको ड्राई कर लोगे, उसको एकदम मतलब पत्तों की तरह, एशेज की तरह थोड़ा कर लोगे, तो क्या है वो काम आएगा बहुत ज्यादा और बहुत दिन तक रहेगा भी। तो बाद में यूज होता है फ्लेवर करने के लिए। रेड चिलीज का भी सेम प्रोसेस है, उसको भी हम सुखा के रख लेते हैं, उसको सूखी लाल मिर्च बोला जाता है। एडिंग प्रिजर्वेशन सच एज सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल आर एडेड टू सर्टन फूड टू स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। पिकल्स आर मेड बाय एडिंग सॉल्ट। अब आप देखो कि मम्मी लोग अचार बनाती हैं, तो अचार में वो लोग बहुत सारा सॉल्ट डालती हैं, ऑयल डालती हैं। क्यों डालती हैं? ताकि वो बहुत टाइम तक सही रहे। ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, ये सब डाला जाता है ताकि वो फूड या वो चीज कभी खराब ना हो। ठीक है, तो अगर आप पिकल्स में देखो तो सॉल्ट और ऑयल डलता है। क्यों डलता है? इसीलिए डलता है। शुगर मीठे अचार में भी शुगर डलता है। तो ये सब प्रिजर्वेटिव हैं, ये सब माइक्रोब्स के ग्रोथ को खत्म कर देते हैं। जैम एंड जेलीज हैव शुगर, तो वो भी बहुत देर तक टिकती है, ताकि क्यों? क्योंकि उसमें शुगर होता है। तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने से फूड लास्ट करता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने फूड और हेल्थ के बारे में पढ़ा। फूड और हेल्थ के बारे में क्या क्या पढ़ा? हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, हमने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, उसमें क्या क्या आता है वो पढ़ा। वो एनर्जी गिविंग है, वो ग्रोथ करता है, वो डिजीज से फाइट करता है, वो बॉडी को हेल्दी रखता है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, इट कीप्स अस हेल्दी।
इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर. रफेज क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को हटा के उनको आपकी बॉडी में खत्म कर देता है और आप हेल्दी रहते हो. मिल्क अपने में ही एक कंप्लीट फूड है. मैंने आपको बताया था कि मिल्क पीने से ही आपका पेट पूरी तरीके से भर जाएगा और उसमें सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए बॉर्न बेबीज को मिल्क दिया जाता है. फिर आ जाता है बैलेंस डाइट. कोई भी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए उसको एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना पड़ता है, प्रोपोर्शन में खाना पड़ता है. तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जब तक अच्छी हो तब तक अच्छा है, नहीं तो अगर बुरी न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर आप आपकी बॉडी में ले रहे हो तो आपकी बॉडी बेकार हो जाएगी. इसलिए बैलेंस डाइट होना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है कि कितना किस अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, ये एक करेक्ट अमाउंट में लेना चाहिए. इससे आपको एनर्जी मिलती है और आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं. हमने ये पढ़ा था. फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक्सरसाइज हमारी लाइफ में कितनी जरूरी है. हम खाते जा रहे हैं लेकिन उस चीज को हम ले नहीं पा रहे हैं और वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, तो उससे अच्छा है कि हम उसको निकाल दें. अब कैसे निकाल सकते हैं हम या तो उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू निकाल सकते हैं, नहीं तो हम उसको स्वेट के थ्रू भी निकाल सकते हैं. मैंने आपको बताया था कि आपने पढ़ा हुआ है कि स्वेट स्किन के थ्रू निकलता है, तो स्किन जब तक आपकी बॉडी वर्कआउट नहीं करेगी, एक्सरसाइज नहीं करेगी, तब तक आपकी स्किन से स्वेट तो निकलेगा नहीं. तो इसलिए एक्सरसाइज आपकी लाइफ में कितनी जरूरी है ये भी मैंने आपको बताया था. कुकिंग फूड, कुछ फूड हम रॉ खा सकते हैं पर कुछ फूड हम कुक करके ही खा सकते हैं, तो कुकिंग फूड कितना जरूरी है, वो हमारे फूड को सॉफ्ट, च्यूएबल, टेस्टी और इजी टू डाइजेस्ट बनाता है. गुड कुकिंग हैबिट्स, कुकिंग हैबिट्स मैंने आपको बताया था, सारी कुकिंग हैबिट्स एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि वेजिटेबल, फ्रूट्स ये सब वॉश करके खाना चाहिए, बॉयल स्टीम फूड खाना चाहिए, ज्यादा फ्राई रोस्ट फूड नहीं खाना चाहिए, मैदा का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. प्रिजर्व फूड अभी पढ़ाया मैंने, फूड जो कि स्टोर कर सके बहुत दिन तक उसे फूड प्रिजर्वेशन बोला जाता है, ताकि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम ना हो जाए. और अभी लास्ट आपको पढ़ाया मैंने वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड. तो मैंने इसका शॉर्ट समरी दे दिया है फूड एंड हेल्थ का. प्लीज रीड फॉर योर एग्जाम्स, स्टडी फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, वर्क हार्ड, स्कोर वेल. थैंक यू.